अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बाहिफाजत और खैरियत के साथ होंगे। बीकन हाउस ऑनलाइन टीचिंग की उर्दू जमात में मैं साइमा हसन, आपकी उर्दू टीचर, आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सी प्यारी प्यारी नज़में पढ़ी और सुनी होंगी और उनमें से बहुत सी आपको पसंद भी होंगी। बच्चों, आपने अपनी किताबों में भी काफ़ी नज़में पढ़ी हैं। अज़ीज़ बच्चों, आपको नज़म के हवाले से पहली शिशमाही में किया गया काम भी याद होगा, जिसमें हमने हम आवाज़ अल्फाज की मदद से नज़म मुकम्मल की थी। तो आज हम नज़म लिखेंगे। क्या आप जानते हैं कि नज़म की एक सतर मिसरा और दो मिसरे एक शेर कहलाते हैं। एक नज़म एक से ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल होती है। नज़म लिखने में हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और नज़म लिखते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि नज़म के हर मिसरा के आखिर में आने वाला लफ्ज़ पहले मिसरा के आखिरी लफ्ज़ के हम आवाज़ हो। अब मैं आपको हम आवाज़ अल्फाज के बारे में कुछ बताती हूँ। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज होते हैं जो सौती एतबार से यानी सुनने में एक जैसी आवाज़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर आना, जाना, खाना वगैरह। हम आवाज़ अल्फाज आमतौर पर लिखने में भी काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अपनी साथी निदा की लिखी हुई एक नज़म सुनाती हूँ। मौसम गर्मी का जब आया, साथ में अपने बारिश लाया, झूम झूम के बादल आए, बच्चे बारिश में खूब नहाए। बच्चों, आपने गौर किया है कि इस नज़म में दो शेर हैं और हर मिसरा का आखिरी लफ्ज़ उससे पहले वाले मिसरे के आखिरी लफ्ज़ का हम आवाज़ है, जो इस नज़म को बहुत खूबसूरत बना रहा है। अब एक और नज़म देखिए, और ये नज़म भी हम आवाज़ अल्फाज की वजह से सुनने में बहुत दिलचस्प है। एक थी मुर्गी, एक थी चिड़िया, लाल थी मुर्गी, नीली थी चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ सुरीली, नन्हा सा मुंह और गर्दन पीली, मुर्गी दिन भर गाना गाती, चिड़िया उससे तंग आ जाती। अजीज बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज के सबक के बाद नज़म लिखने के बारे में बुनियादी बातें अच्छी तरह मालूम हो गई होंगी। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप A4 कागज़ पर दो अशार की एक प्यारी सी नज़म लिखें, और हाँ, अपना काम क्लास वर्क में अपलोड करना ना भूलिएगा। अपनी सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।